अरे बाप रे गाइस, रात को ज्यादा ही लेट तक जाग लिया था। मेरा उठने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, चलो उठना तो पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। एक मिनट, ये तो मॉर्निंग नहीं, मुझे लिटरली में दोपहर का टाइम लग रहा है। लगता है सिंचन पिंचन ऑलरेडी कहीं जा चुके हैं, शायद वो स्कूल गए। नहीं यार, आज तो संडे, वो स्कूल के जाएंगे। एक मिनट गाइस, आज संडे, कल, अरे भाई कल तो गाइस मेरा बर्थडे है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। गाइस मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद सिंचन पिंचन शॉप को लेकर ना मेरे बर्थडे के लिए कुछ गिफ्ट विफ्ट खरीदने गए होंगे। और एक मिनट गाइस, कहीं ऐसा तो नहीं है सिंचन पिंचन और चॉप अवेंजर्स के पास चले गए हो? हो सकता है। खैर एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं। सिंचन पिंचन, चॉप, तुम लोग किधर हो? गाइस नहीं यार, इधर नहीं है। गाइस जो मैं सोच रहा हूँ, काश सच हो जाए, उनको सच में मेरा बर्थडे याद हो और कल मेरा बर्थडे वो बढ़िया तरीके से मनाएंगे तो मजा आ जाएगा। ये तो बहुत ही सही हो जाएगा, आप सब भी मेरे बर्थडे में जरूर आना। लेकिन गाइस यार, अभी तो मेरे को थोड़ी बहुत चिंता भी हो रही है। सिंचन पिंचन चॉप यार, वो इतने ज्यादा लापरवाह भी हैं गाइस कि मुझे नहीं लगता कि उनको मेरा बर्थडे याद होगा। हर साल की तरह इस बार भी ना भूल गए हो। लेकिन गाइस एक बात तो कंफर्म है, वो लोग घर पर नहीं है। ऊपर से हो सकता है वो मुझे सरप्राइज पार्टी देने का सोच रहे हो। गाइस कितने बच्चों को लगता है कि यहाँ पर सिंचन पिंचन मेरी पार्टी के लिए जरूर कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं? अगर आपको लगता है तो प्लीज कमेंट में यस लिखो। दोस्तों बाकी मेरे पास एक आइडिया है, मैं ना सीधा अवेंजर्स के पास जाता हूँ स्टार्क मेंशन, और वहां जाकर पता करता हूँ असल में कि स्टार्क मेंशन में अवेंजर्स भी तो साथ में कहीं सिंचन पिंचन और शॉप के साथ पार्टी वार्टी का प्रोग्राम तो नहीं बना रहे हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। क्या लेकर जाऊं, बाइक या कार? चलो कार में चलते हैं, ज्यादा सेफ्टी रहेगी। चलो गाइस जल्दी निकलते हैं, बाकी मेरा बर्थडे कल आने वाला है गाइस, उसके लिए जल्दी से वीडियो लाइक कर दो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि गाइस मेरा बर्थडे कल बहुत अच्छी तरह से मने। बस कोई मनुष्यत ना हो जाए मेरे बर्थडे पर, हमेशा की तरह कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। लेकिन कोई नहीं, आज मैं लिटरली में पता करके रहूंगा कि इन्होंने मेरे लिए सच में कोई सरप्राइज पार्टी प्लान की भी है या फिर ऐसे ही सोच रहे हैं सब लोग। ओके दोस्तों, नफा नहीं आ चुका हूँ। अरे बहुत मजा आ रहा है। अरे बिल्कुल गाइस, बहुत मजा आ रहा है, थैंक यू सो मच। एक मिनट गाइस, ये तो ब्लैक फ्रैंकलिन की आवाज है। ओह माय गॉड, लगता है गाइस अवेंजर्स लोगों ने मेरी पार्टी के लिए, मेरी बर्थडे पार्टी के लिए ऑलरेडी यहाँ पर प्लानिंग्स शुरू कर दी है। इतने सारे गिफ्ट, क्या बात है गाइस, मेरा तो जैकपॉट। एक मिनट, ये लोग क्या अभी से खुश क्यों हो रहे हैं ये? ओए हल्को, बर्थडे में मजा आ गया। कौन से बर्थडे में? मेरा बर्थडे तो कल है। एक मिनट, ये क्या चल रहा है यार, यहाँ तो ब्लैक फ्रैंकलिन है और ये खुश हो रहा है। ओह थैंक यू सो मच गाइस। अरे आपको मेरा बर्थडे कैसे आता? अरे कैसे याद नहीं होता, तू हमारे लिए खास गेस्ट है आज। क्या? एक मिनट चॉप, सिंचन पिंचन, ये लोग, तुम लोग क्या कर रहे हो यार? ये आपको दिख नहीं रहा है, हम ब्लैक फ्रैंकलिन भैया का बर्थडे मना रहे हैं। क्या मतलब, तो मेरा बर्थडे कौन मनाएगा? तेरा कौन सा बर्थडे फ्रैंकलिन, हर साल तो तेरा बर्थडे मनता है। अबे एक साल छोड़ भी दे, आज हम ब्लैक फ्रैंकलिन को देने वाले हैं इस खतरनाक जायंट ब्लैक कार को। ओ भाई शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमेशा से फ्रैंकलिन का बर्थडे बनता था, इस बार मेरा बन रहा है। इसका क्या मतलब है यार, अगर तुम लोगों को ब्लैक फ्रैंकलिन का बर्थडे बनाया तो बनाओ, लेकिन मेरा क्यों बनाने से मन कर रहे हो? और वैसे भी ब्लैक फ्रैंकलिन तो चोर है और यहाँ पर हथियार है, मैंने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं। तो इसका क्या मतलब फ्रैंकलिन, क्या ब्लैक फ्रैंकलिन को जीने का हक नहीं है? चुपचाप यहाँ से निकल जा समझा, वरना तेरे को डंडे मार के भगाएंगे। एक मिनट, क्या तुम लोगों को कुछ भी नहीं याद कि कल क्या है? क्या है कल? कुछ भी नहीं है, बकवास दिनों का कोई उल्टा सीधा, चल निकल यहाँ से अब। अरे मैं नहीं जाऊंगा ऐसे, गाइस ये क्या कर रहे हो? अरे निकल जाना फ्रैंकलिन यार, हमने तुझे पार्टी में नहीं बुलाया। क्या मतलब मैं पार्टी में नहीं, मेरी बात तो चलो, कल एक खास दिन है, कोई खास दिन हमारे लिए कोई मनहूस दिन ही होगा, निकल यहाँ से। अरे नहीं गाइस यार, अगर आप मेरे बर्थडे की परवाह करते हैं तो प्लीज वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो, इनको बताओ कि कल मेरा बर्थडे है। अबे क्या बोले जा रहा है फ्रैंकलिन, को समझ भी नहीं आ रही है, निकल यहाँ से झूठा कहीं का। अरे मारो इसको यार, हर साल किसका बर्थडे आता रहता है, झूठा कहीं का, मारो इसको। अरे यार क्यों मार रहा है मुझे ब्लैक फ्रैंकलिन, टोनी स्टार्क छोड़ मुझे, नहीं तो मैं सच में ना अपना बर्थडे तुम्हारे साथ नहीं मनाऊंगा। अरे मनाना भी नहीं है तेरा मनहूस सा बर्थडे, निकल यहाँ से, यार केक तो मैं खाऊंगा। अरे चॉप, सिंचन पिंचन, गाइस इन्होंने मुझे इतना मारा कि मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ यार। गाइस आप तो मेरे बर्थडे की परवाह करते हैं ना, करते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखना। मेरा पूरा का पूरा दिन खराब हो गया, अब क्या ही मेरा बर्थडे मनेगा यार। सबसे पहले मुझे डॉक्टर के पास चलना होगा अपना ट्रीटमेंट करवाने, जिससे कि हम लोग ही साथ में बर्थडे मनाएंगे। अवेंजर्स तो ब्लैक फ्रैंकलिन का बर्थडे मना रहे हैं, मेरा नहीं मना रहे, ये कितने बुरे लोग हैं। कोई है, हेल्प मी, मैं तो कहा, अरे ये किसने दबा दिया मुझे, हेल्प मी, यू नो गाइस ये कौन मारना चाह रहा है मुझे। मैं तो किसी जायंट से इंसान के पैर के नीचे आ चुका हूँ, अवेंजर्स बचाओ मुझे। अरे गाइस अवेंजर्स को बताओ कि मैं मर जाऊंगा, मेरा दम घुट रहा है। एक मिनट दोस्तों, मैं क्या करूँ, अवेंजर्स हेल्प मी, मुझे कौन मारना चाह रहा है? अरे बापरे, मैं तो मर जाऊंगा। अरे नहीं।
मुझे तो ये भी नहीं पता चला कि मुझे मारना कौन चाह रहा है। मेरी सांस रुक रही है। ओह नो, मैं मरना नहीं चाहता। एक मिनट गाइस, लगता है मैं यहाँ पर ठीक हो चुका हूँ। ये क्या हो गया, मेरी सोल मेरी बॉडी से बाहर क्यों आ गई? एक मिनट दोस्तों, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मैं तो यहाँ पर ठीक हूँ यार, मुझे एकदम नॉर्मल फील हो रहा है दोस्तों, लेकिन कुछ पता नहीं है कि मैं मर्द वर्द तो नहीं गया हूँ। गाइस ये काम करते हैं इस पोल के, ओह माय गॉड ये क्या, मैं तो इस पोल के आर पार जा पा रहा हूँ। इसका मतलब गाइस मेरी बॉडी से मेरी सोल बाहर निकल गई है। अब मैं कल खुद का जन्मदिन कैसे मनाऊंगा? नहीं ये सब झूठ है, मैं मर नहीं सकता। मुझे किसने मारा गाइस? किसी ने अपने पैर के नीचे दबाकर मुझे चांद से मार दिया। इससे पहले एवेंजर्स ने मुझे पीट पीट कर आत्मा कर दिया था। अब क्या होगा मेरा? मुझे तो गाइस बहुत याद आ रही है खुद की, क्योंकि यहाँ पर एवेंजर्स ने तो ऑलरेडी मुझे भगा दिया। वही तो मेरे अकेले होते दोस्त थे, मैं उनकी कितनी मदद किया करता था। हाँ तो गाइस आज देखो मैंने कितनी बढ़िया वाली पार्टी ऑर्गेनाइज की सिंचन के लिए। वाह भाई साहब, बिल्कुल फ्रैंकलिन तूने कमाल कर दिया। थैंक यू सो मच फ्रैंकलिन भैया, आपने तो मजा ही दिला दिया। पिकनिक पर मेरी बर्थडे पार्टी ही बहुत ज्यादा बढ़िया बर्थडे है। बिल्कुल सिंचन ही बहुत बढ़िया बर्थडे ही। लेकिन गाइस मेरे बर्थडे पर मुझे क्या मिलता है? मेरी मौत मिलती है मुझे, मैं फिर से मर गया। ये क्या चल रहा है? मुझे गाइस एवेंजर्स को बताना होगा कि मुझे किसी ने जान से मार दिया है, जिससे कि कल को मेरा बर्थडे ना मन पाए। एक मिनट, मैं तो अपनी कार में भी नहीं बैठ सकता। एवेंजर्स मेरी बात सुनो। ये फ्रैंकलिन मनोज की आवाज मेरे कानों में क्यों गूंज रही है? अरे यार मैं सच में तेरे सामने तेरी आवाज नहीं गूंज रही कानों में, मैं मर चुका हूँ। क्या, कौन मर चुका है? कौन बोल रहा है यहाँ पर? मुझे तो कोई दिख नहीं रहा। गाइस अगर आपको यहीं कहीं फ्रैंकलिन दिख रहा है तो कमेंट में यस लिखो, नहीं दिख रहा है तो नो लिखो। मैं उस फ्रैंकलिन को सूंघ तो सकता हूँ लेकिन देख नहीं सकता। अरे गाइस मुझे किसी ने मार दिया है, मेरी डेड बॉडी बाहर रोड पर पड़ी है। मुझे तो इस ब्लैक फ्रैंकलिन पे शक हो रहा है। अरे झूठ मत बोल फ्रैंकलिन, मैंने तुझे नहीं मारा और तू फ्रैंकलिन भी नहीं है, तू कोई और ही हो सकता है। तेरी डेड बॉडी तो चल दिखा हमें, नहीं हुई तो तू बचेगा नहीं। बिल्कुल सही कहा, ये बात तो मुझे भी पता लगानी है कि असल में हमारा फ्रैंकलिन मरा है या जिंदा है। वकील की कसम ये बात तुम्हें भी पता लगाऊंगा। हक सबसे पहले पता लगाएगा, इसलिए सबसे आगे बैठ गया है। गाइस मैं इनको अपनी एक बार डेड बॉडी दिखा दूं, उसके बाद इन लोगों को मुझ पर यकीन हो जाएगा। अरे बाप रे यार, तो कुछ भी नहीं है। क्या मतलब कुछ भी नहीं है? मैं भी तो देखूं यहाँ पर कुछ है। अरे बाप रे, यहाँ तो बस थोड़ा सा रोड काला पीला हुआ पड़ा है, थोड़ी सी चटकन आई है, लेकिन यहाँ पर कोई डेड बॉडी नहीं है, खासकर फ्रैंकलिन तो बिल्कुल भी नहीं है। अरे ये कैसे हो सकता है गाइस? अरे नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एवेंजर्स मेरी बात मानो, यहीं पर मेरी डेड बॉडी थी। गाइस कमेंट में यस लिख कर इनको बताओ। ओए तो झूठ बोल रहा है एवेंजर्स, अभी मैं इसको बताता हूँ। ये ले, तू फ्रैंकलिन हो ही नहीं सकता। अरे फ्रैंकलिन को तो हमने खुद पीट कर भेजा है, वो लालची इंसान है, तू यहाँ पर कोई भैरूपिया है। नहीं मुझे मार दिया गया है प्लीज। अरे गाइस ये मेरी बात को बिलीव नहीं करते। गाइस चलो अब यहाँ से जाते हैं, इसने दिमाग खराब कर दिया। अरे हाँ बड़ा दिमाग खराब करने वाला हमारा। बिल्कुल सही कहा यार, पूरा मूड खराब कर दिया है इसने तो हमारा। अरे गाइस ये क्या, एवेंजर्स ने तो मेरी बात पर बिलीव ही नहीं किया। ये लोग ब्लैक फ्रैंकलिन से ज्यादा प्यार क्यों करने लगे, जबकि इनका अपना तो मैं हूँ। यहाँ तक कि मेरी डेड बॉडी किसने गायब की? कोई तो मेरी मदद करो, मैं कैसे खुद की हेल्प करूँ कुछ समझ नहीं आ रही है। एक मिनट गाइस, ये मुझे क्या दिख रहा है? ओह माय गॉड ये तो स्टॉक मैनसन है, मौसम इतना खराब क्यों है? अरे बाप रे, यहाँ लगता है किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है। एक मिनट गाइस ये क्या है यहाँ पर तो? अरे बाप रे, ये तो कोई खतरनाक सी गुफा लग रही है स्टॉक मैनसन में, इसके अंदर क्या? ओह माय गॉड ये तो किसी की गाइस ग्रेव है, इसी को कहते हैं यहाँ पर ग्रेव है। किसकी ग्रेव? कहीं गाइस ये मेरी ग्रेव तो नहीं है। ओह माय गॉड, लेकिन गाइस वहाँ पर मेरी बॉडी तो थी नहीं। मुझे एवेंजर से बोलना होगा कि वहाँ जाकर चेक करें कि माँ वहाँ पर मेरी डेड बॉडी है नहीं। लेकिन गाइस अगर इस बार भी मेरी डेड बॉडी नहीं मिली तो एवेंजर्स मुझे जान से मार देंगे, मतलब मैं ऑलरेडी मर गया हूँ। इस बार तो लिटरली वो मेरे को पूरी तरह से खत्म कर डालेंगे। एवेंजर्स प्लीज मेरी बात सुन लो। अरे बाप रे, वो बुरी आत्मा फिर से आ गई। मैं कोई बुरी आत्मा नहीं हूँ। तो कौन सी आत्मा है तू? मैं फ्रैंकलिन की आत्मा हूँ, मेरी बात सुन लो। मैंने ना यहाँ पर एक विजन देखा था, टोनी स्टार्क तेरे स्टॉक मैनसन में कोई गुफा है क्या? वो तुझे कैसे पता उसके बारे में? मुझे वो दिखा था, उसके अंदर मेरी ग्रेव है। क्या क्या क्या, अबे पागल हो गया है तो जो भी है। अरे प्लीज एक बार मेरी बात का बिलीव कर लो प्लीज। अरे गाइस ये लिटरली मैं झूठ बोल रहा है, मेरे को इसको बस मैंने दो। अच्छा रुक 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 ब्लैक फ्रैंकलिन रुक जा, अगर ऐसी बात है तो एक लास्ट चांस देते हैं इसको। अगर बेटा इस बार हमें फ्रैंकलिन की डेड बॉडी नहीं मिली तो मैं खुद तुझे जान से मार दूंगा, मतलब तू मरा हुआ है लेकिन एक और मार दूंगा। अगर देखता हूं मैं असल में
वहाँ पर फ्रैंकलिन की ग्रेव है नहीं, वैसे फ्रैंकलिन ग्रेव होनी तो नहीं चाहिए क्योंकि गाइस मैंने ऑलरेडी फ्रैंकलिन के लिए कल उसका बर्थडे तो कुछ खतरनाक पार्टी शार्टी रख रही है। क्या रख रखी है? कुछ नहीं, तुझे क्या मतलब? गाइस पता नहीं स्टॉक मेरी पार्टी वार्टी के बारे में कुछ बोल रहा था। हाँ तो गाइस मैं कह रहा था वो सीक्रेट है, फ्रैंकलिन का बर्थडे पार्टी है और मैं उसको बताना नहीं चाहता था। ये सब तो ब्लैक फ्रैंकलिन के सामने मैं ढोंग कर रहा था, मुझे ब्लैक फ्रैंकलिन से कोई प्यार नहीं है। लेकिन एक मिनट, मेरी गुफा के अंदर यार ये ग्रेव कहाँ से आई? मैंने तो यहाँ पर अपनी सोने की मूर्तियाँ छुपा रखी थी, इसलिए इसको बना रखा था जिससे कि कोई चुरा ना ले। टोनी स्टॉक देखा तूने, ये मेरी ग्रेव है, जरूर प्लीज खोद इसको, इसमें से निकाल जिसकी भी ग्रेव है। अबे चुप करो, मेरे फ्रैंकलिन को कुछ नहीं होगा। एक मिनट गाइस, स्टॉक कहीं नाटक तो नहीं कर रहा था उस समय मेरे सामने ये दिखाने के लिए कि जिससे कि कल को मेरा बर्थडे सरप्राइज प्लान बिगड़ ना जाए? खैर फिलहाल तो मैं मर चुका हूँ, ये सब मैटर भी क्या करता है। अरे बाप रे, कुछ भी नहीं, एक मिनट, कुछ तो निकला इसमें से, ये हाथ पैर तो पे, और नहीं ये तो फ्रैंकलिन की बॉडी है यार। अरे अवेंजर्स मेरे पास रहो। डाई 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 डाई, ये क्या चल रहा है यार? अवेंजर्स ये क्या, ये तो फ्रैंकलिन की बॉडी निकली। अवेंजर्स ये देखो, ये तो मेरा अवेंजर, ये तो मेरा प्यारा फ्रैंकलिन है। हल्क को भी दिखा यहाँ पर। क्या गाइस, मैंने सच कहा था इन लोगों से, मैं मर चुका हूँ। ये कैसे हो सकता है? किसने मार दिया फ्रैंकलिन तुझे? उटिन की कसम, ये क्या? अरे हमने तो फ्रैंकलिन को जान कर यहाँ से भगाया था जिससे कि बढ़िया पार्टी मना सके, लेकिन फ्रैंकलिन मर गया। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया हमने? फ्रैंकलिन कैसे मर गया? इसने आत्महत्या तो नहीं कर ली? हाँ फ्रैंकलिन ने आत्महत्या कर ली इस ब्लैक फ्रैंकलिन के बर्थडे की वजह से। बिल्कुल सही कहा। अरे यार एक समय की बात है जब मेरा सूट पूरी तरह से खराब हो गया था, सब कुछ तबाह हो गया था, और फ्रैंकलिन उस समय काफी रिच था, तो इसलिए उसने मेरे इस दर्द को देखते हुए मुझे एक मार्क 85 का सूट गिफ्ट किया था। ये ले स्टॉक भाई, आज से तेरा नया सूट। क्या बात है फ्रैंकलिन भाई, तू तो लिटरली में मेरी इज्जत बचा रहा है, इस दुनिया के सुपर हीरो की इज्जत बचा रहा है। बिल्कुल यहाँ पर इसको पहन ले। बिल्कुल गाइस, मुझे लिटरली में याद आ रही है तुम सभी की, प्लीज मुझे जिंदा कर दो, कोई तो तरीका होगा जिससे कि मैं जिंदा हो जाऊं, मुझे जिंदा होना है, कल मेरा वैसे भी बर्थडे है यार। ओह नो ब्लैक फ्रैंकलिन, बता कहीं तू रे तो नहीं मारा इसको? अरे नहीं, अरे मैंने नहीं मारा है, तू नहीं मारा होगा, तू यहां पर चलता है फ्रैंकलिन से, चुपचाप बता। गाइस आपको क्या लगता है, ब्लैक फ्रैंकलिन ने मारा इसको या नहीं? किसने मारा इसको? टोनी स्टॉक, मुझे एक बड़े से जायंट ने मारा था, उसका पैर बहुत बड़ा था, उसके नीचे दबके मारा हूं मैं। क्या? लेकिन ब्लैक फ्रैंकलिन तो बहुत छोटा है, फिर तो मेरे हिसाब से इसने नहीं मारा है। चुपचाप बता फिर किसने मारा है, और इसकी डेड बॉडी को किसने छुपाया था वहां पर? अरे गाइस मेरी बात सुनो, डेड बॉडी मैंने ही छुपाई थी फ्रैंकलिन की। क्या, इसने ही छुपाई थी? फिर तो गाइस इस ब्लैक फ्रैंकलिन ने किसी के द्वारा मुझे मरवाया? नहीं नहीं नहीं, प्लीज मेरी बात का बिलीव करो, मैंने सिर्फ फ्रैंकलिन की डेड बॉडी छुपाई है, उसके बाद क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ मुझे नहीं पता। कहने का क्या मतलब है, डिटेल में बता, तूने हमारे फ्रैंकलिन की डेड बॉडी क्यों छुपाई थी? बताता हूँ, जब तुम लोग मेरे पार्टी की नकली वाला प्लान बना रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने भाई को भी यहाँ पर पूरी तरह से इनवाइट कर लूँ, जिससे कि वो और मैं साथ में मेरी बर्थडे पार्टी का असली प्लान बनाए, क्योंकि तुम लोग तो वैसे भी फ्रैंकलिन को जलाने के लिए सब कर रहे थे जिससे कि कल उसकी बर्थडे पार्टी मना सको। इसलिए मैं जैसे स्टॉक मेंशन से बाहर गया, मुझे फ्रैंकलिन की डेड बॉडी मिली, मुझे शक आ गया कि कहीं फ्रैंकलिन को मेरी वजह से तो नहीं मार दिया गया है जिससे कि लोग मुझ पर शक करने लगे। इसलिए मैंने कोशिश की, सच में कोशिश की उसको उठाने की। उसके बाद क्या हुआ? मैंने यहाँ पर फ्रैंकलिन की डेड बॉडी को CPR भी दिया, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुका था। मैं बहुत घबरा गया था, मुझे लग रहा था कहीं ये इल्ज़ाम मुझ पर ना जाए, इसलिए मैंने सोचा कि फ्रैंकलिन की डेड बॉडी को अगर मैं छुपा दूँ तो कभी किसी को पता ही नहीं चल पाएगा फ्रैंकलिन कहाँ गया, लोगों को लगेगा कि अवेंजर्स ने फ्रैंकलिन को पूरी तरह से बेइज्जत किया था, ब्लैक फ्रैंकलिन को एक्सेप्ट किया था, इसलिए फ्रैंकलिन गुस्सा होकर लॉस सैंटोस छोड़कर चला गया है और कभी भी ये बात खुलकर नहीं आएगी। और इसलिए मैंने तेरी भाई बॉडी को पूरी की पूरी स्टॉक मेंशन की उस खतरनाक खुफिया गुफा में जाके दफना दिया जिससे कि कभी भी मुझ पर कोई इल्ज़ाम ना सके। ओह नो गाइस, ये ब्लैक फ्रैंकलिन तो लिटरली मैं ऐसा ही कर रहा है, देखिए यहाँ पर जो भी ये बता रहा है मुझे तो सच ही लग रहा है। हट यहाँ से, तुझे बताना चाहिए था जिससे कि मैं जल्द से जल्द कातिल को पकड़ पाता। ओह नो, अब क्या करें फ्रैंकलिन? मेरे हिसाब से तो मैं यहाँ पर जब तक ठीक नहीं हो सकता, कहने का मतलब मेरी सोल जब तक इस बॉडी में नहीं जा सकती, जब तक मैं ये पता ना कर लूं कि मुझे मारा किसने, उसी के बाद कोई इलाज मिलेगा। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, और हमारे पास लिमिटेड टाइम है। ओह नो कल गाइस फ्रैंकलिन का बर्थडे भी है यार, मैं तो उसको बर्थडे पार्टी देना चाहता था, वो भी सरप्राइज वाली। गाइस तुम लोग यहां पर सॉल्यूशन ढूंढो, फ्रैंकलिन की बॉडी को सेफ रखो, बाकी मैं जाता हूं। गाइस मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी होगी कि असल में फ्रैंकलिन को किसने मारा है, यहां पर कोई ना कोई क्लू तो जरूर रह गया होगा। तो फ्रैंकलिन तूने
मुझे बताया था जिसने भी तुझे मारा है उसका पैर लिटरली में बहुत बड़ा था। एक मिनट, ये रेड द दो हल्क भी तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल सही कहा यार, कहीं यार इसी ने तो मुझे नहीं मार दिया था। ओ बहुत मजा आ गया, ओए आज मैंने अपने दुश्मन से पीछा छुड़ा लिया। क्या दुश्मन से पीछा? एक मिनट फ्रैंकलिन, कहीं तो उसका दुश्मन तो नहीं था? नहीं मुझे तो नहीं याद कुछ भी ऐसा, मेरी तो रेड द हल्क से एक दो बार लड़ाई हुई थी लेकिन वो सेटल भी हो गई थी बाद में। एक मिनट, फिर भी पूछताछ करने में जा रहा है। ए रेड द हल्क, हमारी बात सुनिए, हमें बहुत ज्यादा जरूरी जानकारी निकालनी है आपसे। ओ क्या बात है, ओ पूछो मुझसे क्या जानकारी निकालनी है, मैं वैसे बहुत खुश हूँ। हमने अभी अभी सुना कि आपने अपने दुश्मन से पीछा छुड़ा लिया, ऊपर से मेरे फ्रैंकलिन को किसी ने मार दिया है, वो भी पैर के नीचे दबाकर। क्या बोला तूने? तू मेरे पर शक तो नहीं कर रहा है? और तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे अरे मेरी बात तो प्लीज, अगर अरे नहीं गाइस, ये रेड द तू तो डायरेक्ट मारता है, और तुम मेरी खतरनाक ही मैच पर इतना गंदा धब्बा लगाओगे, मैं फ्रैंकलिन जैसे कीड़े को क्यों मारूंगा? मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं जा रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक पीने, अपना मूड ठंडा करने। रुक जा रेड द तू। ओह नो गाइस, ये रेड द तू हल्क तो गुस्सा होके भाग गया। अरे नहीं फ्रैंकलिन यार, ये क्या, रेड द तू चला गया। मेरे हिसाब से ये तो क्लियर हो गया कि रेड द तू ने नहीं मारा है तुझे। फिर यहाँ पर किसने तुझे मारा होगा? जरूर कोई दूसरा जायंट बंदा होगा जिसका पैर बहुत बड़ा होगा। गाइस आपको क्या लगता है किसने मारा है फ्रैंकलिन को? प्लीज कमेंट में उसका नाम लिखो। एक मिनट फ्रैंकलिन, ये तो आइस गॉड है, इसका पैर तो लिटरली में बहुत बड़ा है। एक मिनट फ्रैंकलिन, यहाँ पर सिर्फ आइस गॉड नहीं है, यहाँ पर ब्लैक रिवेंजर है और जायंट ब्लैक फ्रैंकलिन। अरे ये तो शायद ब्लैक फ्रैंकलिन का भाई है। हाँ वो इसी को शायद बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करना चाह रहा था। गाइस यहाँ पर हम किससे पूछे, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ए ब्लैक रिवेंजर, क्या बात है, क्यों परेशान कर रहा है स्टॉक मुझे? मैं तुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा, बस मेरे सवाल का जवाब दे दे। जिस समय ब्लैक फ्रैंकलिन की बर्थडे पार्टी मन रही थी उस समय तू कहाँ था? अरे मैं जब भी वहां था अब भी यही हूँ, समझा? क्या मतलब, तो तूने नहीं मारा फ्रैंकलिन को? क्या बकवास कर रहा है, मेरा दिमाग खराब मत कर, निकल यहाँ से। अरे बाप रे, अरे गाइस ये क्या, जिससे पूछ रहे कि किसी ने मुझे मारा है नहीं मारा है वो सब गुस्सा क्यों रहे? वैसे ही अगर हम किसी पे झूठा इल्जाम लगाएंगे तो वो गुस्सा ही होगा ना। अरे बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन। अरे गाइस मैं क्या करूं, लेकिन एक मिनट फ्रैंकलिन, टोनी स्टार्क मुझे कुछ सही फील नहीं हो रहा है यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं परमानेंटली मरने जा रहा हूं। क्या कह रहा है फ्रैंकलिन? तो ये नहीं कह सकता गाइस, हम कैसे पता लगाएं कि मुझे किसने मारा है? लेकिन एक बात मुझे पक्का याद है, एक बहुत ही बड़ा जायंट सा पैर था और उसने 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 जूते पहन रखे थे। क्या जूते पहन रखे थे? टोनी स्टार्क शायद समय हो गया मेरे जाने का। ये क्या हो रहा है गाइस, ये दिन से एक साथ से रात कैसे हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। फ्रैंकलिन मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, समझा? कल तेरा बर्थडे है यार, मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था तेरी सरप्राइज पार्टी के लिए। ओ नो फ्रैंकलिन, गाइस फ्रैंकलिन चला गया, मुझे छोड़ गया। फ्रैंकलिन मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं तुझे जिंदा करूंगा और तेरी बर्थडे पार्टी प्लान भी बनाऊंगा। मैं क्या करूँ दोस्तों, इतने सारे काम करने और कल सुबह फ्रैंकलिन का बर्थडे है, लिटरली में मुझे उसको दिन होने से पहले जिंदा करना होगा। एक मिनट गाइस, ये ब्लैक फ्रैंकलिन इतनी रात को कहां पर जा रहा है? ये स्टॉक मेंशन से ही होता हुआ आया है। ओ भाई जल्दी चलना पड़ेगा, मेरे भाई ने मुझे रात के समय बुलाया था जिससे कि मुझ पे शक ना हो जाए। किस तरह का शक ना हो जाए गाइस, आखिरकार ये क्या छुपा रहा है, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही है। गाइस मुझे पता करना ही होगा इतनी रात को। एक मिनट गाइस, ये तो अपने बड़े भाई जायंट ब्लैक फ्रैंकलिन से मिले है। आजा मेरे भाई आजा, कैसा है? अरे छोटे भैया आजा मेरे पास आजा तू। अरे बिल्कुल बड़े भैया मैं आ रहा हूँ आपके पास। तो आपने अपना काम कर दिया था? अरे कैसे काम नहीं करता, ये लोग हमेशा फ्रैंकलिन का बर्थडे मनाते हैं उसके लिए सरप्राइज प्लान करते हैं, और मेरे भाई को इन्होंने इस्तेमाल किया जिससे कि यहाँ पर फ्रैंकलिन का बर्थडे वो अच्छे से मना पाए, मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं था इसलिए मैंने उसको अपने पैर से कुचल के मार दिया। क्या इसका मतलब गाइस, इन दोनों भाइयों ने यहाँ पर मेरे फ्रैंकलिन को मारा था, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। गाइस मुझे सब कुछ पता चल गया है। ए ब्लैक फ्रैंकलिन, अरे ये कहाँ से आ गया? अरे बड़े भैया बचाओ, अरे मेरे छोटे भाई को छोड़ दे टोनी स्टार्क। अच्छा तू बचाएगा अपने छोटे भाई को? सबसे पहले तेरे छोटे भाई को मारूंगा, उसके बाद मैं तेरी बैंड भी बजाऊंगा। यहाँ पर तुम लोग बचने नहीं वाले हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे भाई फ्रैंकलिन के पढ़ने को बर्बाद करना चाहा, उसकी जिंदगी ले ली, मैं तुम्हें चांस से मार दूंगा। अरे प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं तो बस अपने छोटे भाई के लिए सब कर रहा था, प्लीज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तूने मेरे भाई की जिंदगी छीन ली, अब चुपचाप बता मैं उसको जिंदा कैसे कर सकता हूँ? मैं तुझे एक मंत्र बता रहा, उसका इस्तेमाल करके डॉक्टर स्ट्रेंज उसको जिंदा कर सकता है। क्या ये ले गाइस, फाइनली उसने मुझे कुछ नोट्स दिए हैं, मैं उन नोट्स को यहाँ पर सीधा डॉक्टर स्ट्रेंज पर रेफर कर दूंगा, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज उस खतरनाक मंत्र को पढ़कर मेरे भाई फ्रैंकलिन की सोल को वापस उसकी बॉडी में ला सके, जिससे कि मैं उसका बर्थडे आज बढ़िया तरीके से मना सकूं। गाइस कुछ भी हो जाए हम फ्रैंकलिन का बर्थडे तो जरूर मनाएंगे और उसको विश भी अच्छे से करेंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज मैं आपको कुछ नोट्स दे रहा हूँ, उसका इस्तेमाल करके मेरे भाई फ्रैंकलिन को जिंदा करो। लेकिन तुझे पता चला किसने मारा है? जब तक पता नहीं चलेगा तब तक फ्रैंकलिन जिंदा नहीं हो पाएगा। मुझे पता चल गया, ब्लैक फ्रैंकलिन का बड़ा भाई है एक, जो थ्री हेडेड जायंट ब्लैक फ्रैंकलिन है।
है, उसी ने हमारे फ्रैंकलिन को पैर से कुचल के मारा था। अरे बाप रे, मैं यहाँ पर पूरी मेहनत करता हूँ, तू जब तक फ्रैंकलिन के बर्थडे की तैयारियां कर। बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज। गाइस मैं आज अपने फ्रैंकलिन के लिए 10 मंजिल वाला केक बनाने जा रहा हूँ, मतलब 10 स्टोरी। तीती मानो पड़ा, मेरा प्यारा फ्रैंकलिन जिंदा हो जाए, मैं यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज फ्रैंकलिन को जिंदा करो। गाइस अगर आप भी चाहते हो फ्रैंकलिन जिंदा हो जाए तो कमेंट में हैप्पी बर्थडे फ्रैंकलिन जरूर लिखो, जिससे कि वो आप सभी की विशेस देखकर जिंदा हो जाए, मेरे पास वापस आ जाए। कम ऑन गाइस, जितना हो सके इतना लिखो। बाकी मैं फ्रैंकलिन के लिए एक बहुत ही बढ़िया खतरनाक केक रेडी कर रहा हूँ। आज आप देखने वाले हैं टोनी स्टार्क का रियल क्रिएशन। आप सभी लिटरली में बिलीव नहीं करेंगे, याद है कि मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतनी शिद्दत से इतना खूबसूरत केक भी बना सकता हूँ। देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूरे 10 स्टोरीज वाला एकदम जायंट केक बना दिया है। मेरा फ्रैंकलिन जब एक साथ बेहोशी से उठेगा, वो खुश हो जाएगा उसको देखकर, जब उसको पता चलेगा कि एवेंजर्स को उसका बर्थडे याद था। हमेशा की तरह मैं उसका बर्थडे स्पेशल बनाना चाहता था, इसलिए ऐसा हुआ। अरे बाप रे, कुछ काम नहीं कर रहा है, प्लीज यहाँ पर उठ जा फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन प्लीज उठ जा। गाइस जितना हो सके इतना वीडियो को लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब। फ्रैंकलिन को बताओ उसकी परवाह करते हैं, फ्रैंकलिन तेरा बर्थडे तेरे बिना अधूरा है, प्लीज। अरे बाप रे, ही फ्रैंकी भैया उठ गए। अरे वाह फ्रैंकी भैया उठ गए। एक मिनट गाइस, ये क्या, मैं तो एक मिनट, ये मैं जिंदा हो गया। इतना ही नहीं भाई, हैप्पी बर्थडे। क्या वाह, तुम लोगों को लिटरली में याद था मेरा बर्थडे। ओ माय गॉड, तो इसका मतलब वो सब कुछ झूठ था। उठिन की कसम, बिल्कुल झूठ था। बिल्कुल, हल्को सिर्फ अपने दोस्त फ्रैंकलिन की परवाह है, हल्को उसी के साथ बर्गर खाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, यार तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा ऑसम हो। तो गाइस इसका मतलब ये इतना बड़ा जायंट केक मेरे लिए। बिल्कुल फ्रैंकी भैया, यही बिल्कुल आपके लिए ही। चलिए अब जल्दी से केक कटाई कर दीजिए और हमको खिला दीजिए। बिल्कुल फ्रैंकलिन, उसके बाद हम तुझे तेरे बढ़िया बढ़िया गिफ्ट भी देंगे। ये रहा तेरा मार्क 85 वाला एकदम रिटर्न गिफ्ट। क्या बात है गाइस, थैंक यू सो मच, तुम बड़े ऑसम हो यार। गाइस आज एवेंजर्स ने मुझे लिटरली शॉक कर दिया। बाकी गाइस आप भी कमेंट में जल्दी से हैप्पी बर्थडे फ्रैंकलिन लिख दो, जल्दी से पूरे कमेंट सेक्शन को भर दो और वीडियो लाइक भी कर दो। और हां, बाकी स्क्रीन पर जो आपको वीडियो देख रहे हैं वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।